From A-Dash Capital, we are one-stop solution for unsecured loan through trade finance, export finance, and loan from the private finance from the banks and NBFCs. Signing your own money man, Alok Nag. मनीष चोटालिया हाँ न्यू बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन आवाज आ रहा है बंद कर देना उसको
कौन लगाएगा आज? करंट आ रहा है क्या? इधर ऊपर मत हाथ लगाना, इधर वरती इधर एक रन आएगा किधर? दो बॉल एक रन। ICPL का अगला मुकाबला BNI सुवर्णा वर्सेस BNI हार्मनी चलता हुआ टर्फ नंबर वन पर। और ये रनआउट की अपील अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। ये पहला ओवर शुरू है मैच नंबर सेवन ऑन टर्फ नंबर वन। पहले ओवर ये लगा शानदार छक्का नम्रता स्टील सिक्स सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्स। चार बॉल तीन चार बॉल आठ रन, अभी पांचवा बॉल और नौ रन। बैटिंग की है विशाल ने और ये झटका। कौन बैटिंग कर रहा है? विशाल आउट। टीम हार्मनी को पहले ओवर में दो बड़े झटके लग चुकी है भाई और बहनों। और ये गादला वाला विकेट बैट्समैन को सुला डाला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ नौ रन दो विकेट के नुकसान पर। मैक दूसरी ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पूरी कंसंट्रेशन के साथ मनीष तैयार और ये डिफेंड कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद लेके आते हुए और ये करारा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया लेकिन फिर एक बार कोई रन नहीं। ये एक और बहुत ही करारा प्रहार लेकिन कोई रन नहीं मिला। इस बार भी तीन डॉट बॉल से शुरुआत की है इस ओवर की। हार्मनी को संभाल कर खेलना होगा और ये एक और जोरदार शॉट देखते हैं छक्का और ये रहा नम्रता स्टील सिक्स सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्स। मैच की कोशिश होगी फिर एक छक्का मारने की और ये एक बार फिर उठा दिया है। इस बार ये रहा चौका स्मार्ट बॉक्स का चौका चैनल पार्टनरशिप का मौका। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके आते हुए गेंदबाज मैच सामना करेंगे दो गेंदों में दस रन मारने के लिए। फिर एक बार मार दिया कवर्स के ऊपर से दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी के साथ ओवर बढ़ता हुआ दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। मैक बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मैक के दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। स्कोर दिमाग में एकदम सजा के बैठे हैं। तरुण शाह तीसरा ओवर लेके आते हुए BNI सुवर्णा के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए हाँ ठीक है। तीसरी ओवर की पहली गेंद देखना होगा मैक क्या करते हैं इस गेंद पर। तरुण शाह अपने हाथों में गेंदों को घुमाते हैं और ये वाइड हाँ जो हो गया पहला वाइड के बाद दूसरा डॉट बॉल मैक। हमारे एक्स्ट्रास के स्पॉन्सर्स हैं UK रिजॉर्ट्स और
ये लगा चौका, स्मार्ट बॉक्स का चौका, चैनल पार्टनरशिप का मौका। और ये करारा प्रहार, ग्राउंड शॉट मारा है इन्होंने, रन लेने का कोई मौका नहीं। ये एक और डॉट बॉल, और एक फिर एक बार उठा के मारा है, देखते हैं रन होता है या नहीं। कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। और एक और अपील, अंपायर का इशारा आउट, मैक अपना विकेट खो चुके हैं। तीसरे ओवर में तीसरा झटका, और ये रहा गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। So, ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। सर प्लीज। हाँ, तीसरे ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छा ओवर था ये, गया नहीं ना, अरे लगा बैट तो थोड़ी वाइड रहता है, छोड़ देता तो वाइड था, छोड़ा नहीं ना। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पल्लवी चौथी ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए, और ये फुल टॉस गेंद, इसको उठा दिया, 6 रन। और ये लगा नम्रता स्टील छक्का, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्स। चौथे ओवर की पहली गेंद, पल्लवी की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी। अंपायर नहीं ना, नो नहीं ना, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, ये पहली ओवर की दूसरी गेंद, देखो, और फुल टॉस, इसे मार दिया, अरे बहुत ही जोरदार कैच। और ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। फुल टॉस गेंद थी, और एक छक्का मारने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बाउंड्री पर बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है तपन ने, बहुत ही अपनी जंप को सही समय पर टाइम किया और इस गेंद को लपक लिया, और ये विकेट। आनंद आए हैं बल्लेबाजी पे, पल्लवी की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उमदा गेंदबाजी, दो गेंद में एक विकेट ले चुकी है। तीसरा गेंद लेके आते हुए पल्लवी, और एक और फुल टॉस, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। ये गई गेंद सीधी यूके रिजॉर्ट खोपोली, हमारे एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स। और एक डॉट बॉल करते हुए पल्लवी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है। ओ, थर्ड मैन की दिशा में इसको खेल देना चाहते हैं कलाइयों का उपयोग करके, लेकिन गेंद के साथ संपर्क नहीं कर पाए आनंद, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। पल्लवी अपनी ओवर की, और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल। पल्लवी का ओवर बहुत ही अच्छा ओवर रहा है अब तक, एक सिक्स जरूर लगा है, लेकिन दो डॉट बॉल और एक विकेट ले चुकी है अभी तक। और ये डेड बॉल का इशारा अंपायर का, बॉल बहुत ही नीची रही, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, लेकिन दो से ज्यादा टप्पे पड़ने के कारण डेड बॉल का इशारा अंपायर का। पल्लवी फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आनंद, और ये मार दिया आनंद ने उठा के, ये रहा नम्रता स्टील का सिक्स, सॉलिड सिक्स, सॉलिड स्टील। बैक फुट पे इंतजार कर रहे थे आनंद इस गेंद का, और जैसे ही मौका मिला बहुत ही अच्छा बैट स्विंग उठा दिया मिड ऑन के ऊपर से, और ये ओवर की अगली गेंद फिर एक बार नो बॉल का इशारा अंपायर का। ओवर की आखिरी गेंद लेते आते हुए, और ये फिर एक बार उठा दिया है, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया आनंद ने। चौथे ओवर की समाप्ति,
चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 42 रन। बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है इस ओवर में। पांच ओवर की पहली गेंद, कोई रन का कोई मौका नहीं। इसका पूछो भाई जो पूछने गया। विरांग की दूसरी गेंद और वाइड का इशारा, यूकेज रिजॉर्ट एक्स्ट्रा, ये गई गेंद सीधे यूकेज रिजॉर्ट खोपोली। एक मिनट रुके, प्लीज वेट। रेडी, यस लेट्स गो अहेड अंपायर्स। और एक और उठा के मारा हुआ है शॉट, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। विरांग की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और इसके साथ ही साथ सुनीता आई है स्ट्राइक पे, देखना होगा क्या कर पाती है सुनीता। ओवर की तीसरी गेंद लेके आते हुए विरांग अपने हाथों में बहुत अच्छी तरह से स्पिन कर रहे हैं गेंद को, और ये पैरों से टकराई गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट बॉल विरांग ओवर की अगली गेंद के साथ, मिड विकेट पे घुमाना चाहती थी, गेंद ने बल्ले का संपर्क नहीं किया और एक और डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये स्टंपिंग का मौका खो दिया परमार ने। स्टंपिंग का मौका हो सकता था, मिस किया विकेट कीपर ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, चार विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की पहली गेंद निसर्ग, छठी ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए, और ये उठा के मारा है, और ये रहा नम्रजा स्टील का सिक्स, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्स, सीधे बॉलर के सर से उठा के मारा, किसी भी फील्डर को कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया शॉट, आनंद क्रीज पर एकदम जम चुके हैं, चौके और छक्के की लड़ी लगा दी उन्होंने। और ये एक और उठा के मारा हुआ शॉट, देखना है क्या होता है। एक रन लेना चाहते थे लेकिन रोक लिया अपने आप को, स्ट्राइक चेंज नहीं करना चाहते थे। और एक और उठा के मारा हुआ है शॉट, इस बार एक रन जरूर पूरा करेंगे। डॉट रन नहीं करना चाहते थे। और इसी के साथ सुनीता फिर एक बार स्ट्राइक लेते हुए, हाँ, और ये एक और डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल का सामना किया सुनीता ने। और ओवर की अगली गेंद उठा के मारा है और ये आउट, बहुत ही बढ़िया कैच, टीम वर्क का अच्छा मुजाहिरा करते हुए। और ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। तरुण के हाथों से गेंद टकरा के वैशाली के लिए मौका बना, उन्होंने मौके को पूरा फायदा उठाते हुए कैच लेके एक और विकेट। बहुत ही अच्छा टीम वर्क का यहाँ पे मुजाहिरा किया गया है। और ओवर की अगली गेंद, बहुत ही जोरदार अपील, अंपायर का इशारा नॉट आउट। बहुत ही अच्छा ओवर रहा ये बॉलिंग साइड के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, छह ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। आनंद फिर एक बार स्ट्राइक लेते हुए, तरुण ओवर नंबर 7 लेके आते हुए तरुण, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस ओवर की पहली गेंद पे। आनंद अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, आनंद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, आनंद तरुण के 7 ओवर की पहली गेंद।
और ये नीचे से मार के एक रन कंप्लीट कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन्स टीम हार्मनी। सात ओवर की दूसरी गेंद, ओहो गेंद को पढ़ नहीं पाए, स्टंप्स और पैड के बीच में से निकलती हुई गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज। ओवर की अगली गेंद और ये उठा के मारा इसे और ये आउट। गादला वाला विकेट, ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। बाकी कमेंट्री कर पाइदर नो किशोर अगले बल्लेबाज और उठा दिया है बल्ले ने, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। बोलना भाई, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलना भाई, टॉप वन ड्यूटी पे, ड्यूटी पे टॉप वन, नहीं नहीं मैं थोड़ी देर में आऊंगा, और ये गया और एक विकेट, ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। सात विकेट के लॉस पे और 53 रन्स। नए बॉलर आते हुए हार्दिक गाला, और किशोर स्ट्राइकिंग एंड पे, ओह एक और विकेट, विकेट विकेट्स की बारिश हो रही है, और ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। आठ विकेट के लॉस पे और अपने नए बैट्समैन कुणाल स्ट्राइकिंग एंड पे आते हुए, डू और डाई सिचुएशन, और एक एक रन एक्स्ट्रा, हमारे एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स हैं यूके रिजॉर्ट्स, और एक और विकेट, ये नौवा विकेट रन आउट, ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। दो ओवर और पांच विकेट के लॉस, दो ओवर में पांच विकेट गए बैक टू बैक, ये आखिरी प्लेयर आती हुई, और अनीता स्ट्राइकिंग एंड पे, ये आखिरी विकेट, और टीम सुवर्णा ने एक और विकेट, और इसी के साथ ये लास्ट इनिंग फर्स्ट इनिंग खत्म होती हुई, और ये था गादला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। This is Aloknav from Edge Capital. We are one-stop solution for unsecured loan through trade finance, export finance, and loan from the private finance from the banks and NBFCs. Signing your own money man, Aloknav. Let's go.
और अब टीम सुवर्णा बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए और 55 रन्स का लक्ष्य हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं वी आर स्पाइन पावर्ड बाय राहुल पचीगर सिद्धि डायमंड्स को स्पॉन्सर्स अलोक नाग फ्रॉम ए एंड एच कैपिटल स्मिता सिन्हा ट्रैवलर्स जतिन पारेख फोटन स्टील ट्रॉफी स्पॉन्सर्स हैं हमारे डॉक्टर अभिनव वालिया एक्यूमेन डायग्नोस्टिक्स हमारे विकेट स्पॉन्सर्स हैं नीरव मेहता गादलावाला सिक्स के स्पॉन्सर्स हैं हमारे शुभम सिंह नम्रता स्टील फोर के स्पॉन्सर्स भूमित चौधरी स्मार्ट बॉक्स एडवाइजर्स और हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर सुनीत बानका दमन वायर एंड केबल्स एक्स्ट्रास के स्पॉन्सर संतोष पाटिल यूके रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फैन ऑफ द डे वीरल केनिया एचवीटी इंटीरियर्स किड्स हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय एपीएन सोलार एनर्जी प्री लॉन्च वेन्यू वाज बाय सोमिक रॉय द बीटल्स एंड द जर्सीज आर स्पॉन्सर्ड बाय अक्षत दवे यूनिट्राइब एंड हियर वी स्टार्ट आवर सेकेंड इनिंग और ये सिर्फ सेकेंड इनिंग शुरू होते हुए बैट्समैन विरांग और ये गया पहला विकेट ये था गादला वाला विकेट बैट्समैन को सुल्ला डाला और विरांग वापस पवेलियन लौटते हुए हारमनी खुशी से झूमती हुई लगा सिक्सर नम्रता स्टील का सिक्स सॉलिड स्टील और ये लगा दूसरा झटका टीम सुवर्णा को और ये था गादला वाला विकेट बैट्समैन को सुल्ला डाला और वैशाली मैदान में उतरते हुए पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए 55 रनों का लक्ष्य और एक रन लेने की कोशिश नाकाम छह बॉल हो गया कि पांच हुआ है
एक और बाकी एक ओवर के एंड में 6 रन और 2 विकेट और बॉलर विशाल पूरी तैयारी में तपन पूरी तैयारी में और ये लगा एक रन लेने की नाकाम कोशिश और मार दिया शॉट एक रन लेने में कामयाब और ये गया विकेट तीसरा विकेट गादला वाला विकेट बैट्समैन को सुला डाला सो 2 ओवर कंप्लीट हुए हैं और अब 36 बॉल्स में 46 रन्स चाहिए द मैच इज बिटवीन हार्मनी एंड सुवर्णा जीतेंगे यही टीम जीतेगी मैं इसी टीम का सपोर्ट कर रहा हूं जो टीम जीतेगी उसी का सपोर्ट कर रहा हूं मैं एंड ये नम्रता स्टील सिक्स यस इसी की मैं बात कर रहा था यहां मौका बन गया है कैच ड्रॉप होता हुआ हार्मनी अगर जीतना है तो कैचेस पकड़ने पड़ेंगे आप नहीं चाहते लेकिन सो जीवनदान मिला और इस समय जो टोटल स्कोर है वो है 16 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स गुड बॉल दिस टाइम स्ट्रेट टू द बॉलर इज दैट अ विकेट यस आई थिंक सो और बैट्समैन भी जाते हुए डगआउट की तरफ इट्स अ बिग विकेट गादला वाला बैटर को सुला डाला 16 रन के स्कोर पर ये विकेट नंबर 4 गिर गया 4 गिर गया या 3 4 विकेट गिर गए 4 गिर गए सर जी आपने बोल दिया तो बोलना ही पड़ेगा कितने और गिराने सर टोटल हार्दिक है न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक हार्मनी ओ क्या बात आनंद भाई सिंगल रन भाविन भाई ऑल ओके यस ये अतुल वीडियो वाले अगर कोई आसपास में हो तो प्लीज टर्फ के करीब आ जाए अतुल वीडियो के टेक्नीशियंस को या आसपास में हो तो और इस दरमियान ये निकलता हुआ नम्रता स्टील सॉलिड सिक्स टोटल स्कोर जो है वो पहुंच गया 4 ओवर्स के बाद 23 जी हाँ 4 या 3
तीन ओवर 23, आई बेग योर पार्डन। स्कोर है 24, दिस इज ओवर नंबर 4। हेलो चेक, हेलो चेक, एंड दैट्स अ विकेट, चेक चेक, इट्स गार्ला वाला विकेट, अ बिग विकेट, टीम हार्मनी, चेक चेक चेक, टेस्ट माइक टेस्टिंग, चेक टेस्ट, चेक चेक चेक, टेस्ट। सो इस समय जो स्कोर है वो है 24, यस, पांच विकेट गिरे हैं। बैट्समैन है वरुण शाह, तरुण शाह, अरुण शाह, तरुण शाह, वरुण, तरुण, अरुण, सब चल जाएगा। तरुण है स्ट्राइकिंग एंड पर, अच्छा लेकिन ये माहौल अच्छा है, हाँ मिलीजुली सरकार है इधर। और ये गेंद जाती हुई तरुण शाह के बैट से, नम्रता स्टील, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्स। हार्मनी वाले भी यहीं पर बैठे हैं और सुवर्णा वाले भी यहीं पर बैठे हैं, दोनों साथ में हैं, कोई भी जीते दोनों जश्न मनाएंगे। एंड इज दैट वन मोर, नो, सवित इंटरैक्टिव्स हार्मनी एंड शांति डेवलपर्स सुवर्णा। और यहां पर क्या ये चौका है? जी हां, ये निकलता हुआ स्मार्ट बॉक्स एडवाइजर्स का चौका, चैनल पार्टनर बनने का मौका। 30 का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, इस समय 34 पर है स्कोर, 34, टारगेट जो है वो 55 का है। सो चार ओवर कंप्लीट हुए, चार ओवर के बाद 35, चार ओवर में अब 20 रन चाहिए, इज दैट द इक्वेशन? यस। कौन जीत रहा है वैसे टर्फ वन पे, कौन जीत रहा है? जीतेगा भाई, जीतेगा। हार्मनी वाले हैं या नहीं इधर? व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन, यूकेज रिसोर्ट कपोली एक्स्ट्रा। सो अब तो सिर्फ 18 रन बनाने हैं। वरुण ऑन स्ट्राइक, हार्दिक ऑन स्ट्राइक, वरुण बॉलर हैं। एक रन और सिंगल मिला, वी आर स्पाइन, बी एन आई, आईसीपीएल सीजन 6। अभी भी 17 रन चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी कंफर्म इट विद माय स्कोरर। यस 17 रन और चाहिए, गेंदे तो बहुत सारी बाकी है, अभी भी इसके बाद 3 ओवर और बाकी है। टीम हार्मनी को कोई करिश्मा ही ये मैच जिता पाएगा, और वो करिश्मा करने के लिए मन में जाप चालू है। एक रन सिंगल के रूप में यहां पर मिला। ओ गुड बॉल दिस टाइम, एंड आई थिंक इट्स अ विकेट, इट्स अ बिग विकेट, गार्ला वाला विकेट, विकेट नंबर 6, बैटर को सुला डाला, क्या बात है यार, ये सेलिब्रेशन तो एकदम हाई लेवल वाला सेलिब्रेशन है। और 6 विकेट गिर गए शायद, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हार्मनी के पास मौके नहीं है, अगर वो विकेट एक आध दो और ले लेते हैं तो हार्मनी बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। अभी भी 17 रन्स बनाने बाकी हैं। ये खराब बॉल, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, लेकिन गेंद रुकी नहीं और ये निकलता हुआ, स्मार्ट बॉक्स एडवाइजर्स का चौका, चैनल पार्टनर बनने का मौका। 5 ओवर 44 हो गए, 5 ओवर कंप्लीट हो गया, जी 5 ओवर कंप्लीट हुए, 5 ओवर के बाद 44, और अब 3 ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए और हार्मनी की टीम को सिर्फ 4 विकेट चाहिए।
हार्मनी कम ऑन, एक हैट्रिक आ जाए। अभी भी 11 रन्स रिक्वायर्ड और अब 45, 10 रन चाहिए इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। हार्मनी को विकेट की तलाश है, एक और रन और ये नो बॉल भी आ रहा है एम्पायर की तरफ से। सो नो बॉल प्लस वन, फ्री हिट का भी इशारा आना चाहिए। जी हां, फ्री हिट है ये बॉल। ओ मौका था वहां पर। 8 रन चाहिए जीत के लिए। जस्ट वन, ये कौन सा शॉट था? निसर्ग है बैटर स्ट्राइकिंग एंड पर। आई थिंक 48 हुआ है स्कोर। एक और डॉट बॉल। सो ओवर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 48 रन्स और अब 2 ओवर्स में 7 रन्स चाहिए। 12 बॉल्स 7 टू विन। क्या ये कैच है बाय एनी चांस? इज दैट टेकन? यस, दैट्स अ विकेट, गार्ला वाला विकेट, बैटर्स को सुला डाला। हार्मनी टीम अभी भी मैच में जीवित है। ये विकेट नंबर 7। अब सुवर्णा टीम की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि भले ही 7 ही रन बनाने बाकी हो लेकिन विकेट्स भी उनके पास बहुत कम बचे रह गए हैं। शायद 3 ही विकेट अब बाकी है उनके पास। ये रन थोड़ी माना जाएगा सर, विकेट हो गया तो रन। सात रन और चाहिए। ओ ये सिंगल रन अमित जी के बैट से। सो अब 6 रन और चाहिए ये मैच जीतने के लिए और टीम हार्मनी को 3 विकेट्स चाहिए। ओ, 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 क्या क्या ये विनिंग शॉट है। जी हाँ, सो ये निकलता हुआ नम्रता स्टील, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्स और इसी के साथ टीम सुवर्णा हैव वन द गेम। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम सुवर्णा, चैप्टर सुवर्णा, शांति डेवलपर्स सुवर्णा, मेनी कांग्रेट्स। Yeah.